स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? ए आर्द्रभूमि और आर्थिक विकास, बी आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, सी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, डी आर्द्रभूमि और सतत उपयोग। आंसर सी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। एक्सप्लेनेशन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारे पर्यावरण में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने का दिन है। 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 80 हो गई। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? ए GDP का 3.5%, बी GDP का 6.0%, सी GDP का 5.1%, डी GDP का 4.5%। आंसर सी GDP का 5.1%। एक्सप्लेनेशन, 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP के 5.1% पर लक्षित है, जो 2023-24 में GDP के 5.8% के संशोधित अनुमान से कम है। वित्त वर्ष 25-26 तक 4.5% तक पहुंचने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए RBI से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी फिनो पेमेंट्स बैंक, सी जियो पेमेंट्स बैंक, डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आंसर डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। एक्सप्लेनेशन, RBI ने मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियामक मानदंडों के उल्लंघन और लगातार गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं के कारण कार्रवाई की गई। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए 3 करोड़, बी 3.5 करोड़, सी 4 करोड़, डी 4.5 करोड़। आंसर ए 3 करोड़। एक्सप्लेनेशन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में स्वयं सहायता समूह के तहत लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाने और ड्रोन के संचालन और उनकी मरम्मत जैसे कौशल से प्रशिक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए हेमंत सोरेन, बी चंपई सोरेन, सी अर्जुन मुंडा, डी दिकुराम सोरेन। आंसर बी चंपई सोरेन। एक्सप्लेनेशन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया, जिन्हें हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED ने एक केस में गिरफ्तार किया था। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राजभवन में चंपई सोरेन को पद की शपथ दिलाई।